तो अभी हम कर रहे हैं नाश्ता, और नाश्ते में है अभी हमारे पास्ता। वाह वाह, नाश्ते में है हमारे पास्ता जो बनाई है बुआ ने, नेहा बुआ ने बनाई है ना? आपने चाचा ने बनाई थी ना? नहीं। चाचा कितने अच्छे हैं, बुआ का क्रेडिट नहीं लिया, चलो अच्छा है। तो ये नेहा बुआ ने बनाई है, टेस्टी हो रही है। अभी खा के फिर हमें जाना है दिन में लंच में अम्मा के वहाँ, छोटी अम्मा हमारी, तो उनके वहाँ जाना है। फिर हम वहाँ चलेंगे सब लोग, है ना? और धूप में जाना पड़ेगा अभी तो, 1-2 बजे। अभी हम घर से बाहर निकलने के लिए रेडी हो गए हैं, जहाँ उबलता हुआ पानी बन रहा है, नॉर्मल पानी। क्या बोला तूने? तो हम लोग रेडी हो चुके हैं अम्मा के वहाँ जाने के लिए फॉर लंच, और बाहर बहुत गर्मी है, तो देखना आप हमारा स्ट्रगल, हम कैसे पहुँचते वहाँ। ठीक है, अब ये लोनू ये भी रेडी है, बुआ तो यहीं है, बुआ नहीं आ रही है, और चाचा आ रहे हैं, और अम्मा भी यहीं है। क्यों बोलो, अम्मा हमारे को ये धूप पे बचाने के लिए हमारे लिए छाता लेके आई है। अम्मा को पता है कि अम्मा बोली अभी बाहर जाके हाय हाय करेगी। हाय कर दी मैंने, हाय कर दिया। बर्दी बोली कैमरा ऑन होते ही चाचा की कंघी हाथ में आ जाती है, बालों को स्टाइल करने के लिए। चले चले बुआ, चलो आप भी बाहर तक छोड़ के आती हूँ तुम्हें। द रियल स्ट्रगल। ये हमने छाता पकड़ने के लिए हायर की है मेरे लिए। ओह माय गॉड, छाता में आ चुकी हूँ, थैंक यू मैडम। देखो हमारे निकलते ही मस्त धूप चली गई है और बादल लग गए हैं, देखो बिना छाता के। चाचा मेरे, चाचा मेरे, मजे आ गए। थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। यहाँ को था ना। सो गाइस, ये घर दिख रहा है, ये दूध वाले भैया लोगों का घर है, इतना बिजनेस चलता है उनका, इतना अच्छा देखो कितना मस्त घर बनाया है। वही छोटा सा घर। अब हम पहुंच चुके हैं अम्मा लोगों की सोसाइटी के अंदर। ओके फाइनली पहुंच गए। ये भी दूध वाले का घर है ना, दूध वालों का घर देखो कितना तगड़े हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं सोसाइटी के अंदर, मतलब घर में पहुंच चुके हैं बिष्ट निवास। हम पहुंच चुके हैं अम्मा के घर। तो अम्मा क्या स्पेशल बनाया आपने हमारे लिए? मैंने हाँ बाटी चूरमा। अरे वाह, राजस्थानी डिश। और ये तो ये बाटी है। हाँ, अच्छा, और दाल तो दाल ही होगी, और उसको दाल तो ये रही। हाँ ये रही दाल। ओहो, अम्मा ने तो हमारे लिए राजस्थानी डिश बना दी। और इसमें कड़ी चलती है थोड़ा सा। अच्छा कड़ी भी चलती है। हाँ ये रही दाल बाटी चूरमा खाएंगे। चूरमा क्या होता है फिर? वो चूरमा वो अलग से बनता है। अच्छा हाँ। तो हम दाल बाटी खाएंगे ना। और क्या, दाल बाटी चूरमा। आपने पूरा यही ले लिया कि किस चीज के लिए? इसी के लिए, इसके लिए आपने इसी डिश के लिए ही ले लिया होगा पहले। हाँ इसको घुमाते रहो बस। हाँ और हो जाता है। ये किस चीज से बनता है माँ? ये आटे का। आटे का। हाँ अच्छा, आज तो हमारी दावत है। हाँ स्पेशल खिलाती वाली यहाँ की डिश। ठीक है, सो हमारा लंच तैयार हो के लग भी चुका है, हमारे पूरा लगा दिया, परोस दिया। और मेरी बुआ और मेरे चाचा स्कूल, और मेरे बुआ और मेरे चाचा स्कूल से आ गए बेचारे, गर्मी में तप तप के बेचारे। जाओ पानी पी लो अच्छे से। तो ये रहा खाना, दाल बाटी और चावल है, और कढ़ी है। ये रहा बाटी, हम पहली बार ट्राई करेंगे ना दी, तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइएगा, ठीक है, कैसा लगा? अच्छा आपने तो खाया होगा ना, बताओ कैसा है। हाँ ट्राई करने जा रहे हैं दाल बाटी। घी में तला है क्या? आओ बुआ और चाचा भी खाएंगे हमारे साथ। पहले कैसे अंडे जैसे लग रहे थे। हाँ फिर थोड़ी चाची तोड़ के। हाँ बोल, खाओ खाओ। सबसे पहले मैडम खाएंगी। सबसे पहले भोग लगता है उनका, गणेश जी को भोग लग रहा है। ये ट्राई, ये लाल ना आपने इसमें बाटी। अब बताओ चाचा कैसे खाएं इसको? जनरली यहां पे ऐसे ही खाते हैं। हां ऐसे ही रोटी की तरह ना। पहाड़ी स्टाइल में नहीं खाओगे? और पहाड़ी स्टाइल, पहाड़ी स्टाइल में कैसे खाते हैं? उनके दाल आगे खा लो। आ जाओ बेटा। क्या लग रहा है यार, ये पूरा पूरी जगह मजे आ गए। आज दावत है हमारी। वही ऐसे तोड़ के ऐसे खाते हैं ना यहां पे। एक दो ना चाचा, एक दो ना उसे। सॉरी ट्राई करो, ऐसा लग रहा है गुलाब जामुन है। हाँ
राजस्थान में तो क्या होता है इसको तोड़ते हैं और यूं लगा के खाते हैं हाँ। ना? बट अपन को क्या होता है वैसे आदत नहीं है ना, अपन तो पहाड़ी है हाँ। तो चूर के दाल डाल के अच्छा कैसे कैसे रखता है कैसा हो रहा अच्छा हो रहा बना रहा है तू हमारी बना रहा है तो अभी हम बस रेस्ट कर रहे हैं और थोड़ी गप्पे मार रहे हैं पहाड़ी लड़की बनने वाली है राजस्थानी लड़की जल्दी पहनो पता योगी पता कौन सा पहने कलर बता इसको तेरे पता सभी अच्छा लगेगा वो वाला पहन दे ब्लू वाला मुझे नहीं पता है मैं कंफ्यूज हो रही हूँ ग्रीन पहन ले फिर हाँ मन से ज्यादा बताओ कौन सा पहनना चाहिए इसे ग्रीन बड़े तो वो लग रही है बाबिन बाबिन लग रही है तू वो योगी आदित्यनाथ के साथ जल्दी नहीं यार नहीं ढोल नहीं लग रही सफेद बर्थडे भी जब पूरी तैयार होगी इसके बाद दिखाएंगे इसका राजस्थानी लुक आज अम्मा कर रही है बर्थडे को राजस्थानी लुक में तैयार हाँ ये रहा अम्मा का खजाने का बक्सा नहीं योगी का भी सामान है इसमें अम्मा का ये रहा ना रुक गया कैसी लग रही है बताओ इस रिएक्शन दो अपना छोटे चाचा चाचा अंशु चाचा लुक कैसी लग रही है बता सही लग रही है अच्छी लग रही है मोटी छोटी बहू क्यूट सी हाँ इससे भी अच्छी लग रही है फैशन क्या है ये जलवा इधर देख ओहो प्रिटी राजस्थानी छोरी अच्छी लग रही है बड़दी आजा मारे हिवड़ा में नाचे मोर तक थैया थैया मैडम को चूड़िया पहनाओ जाइए मैडम आपका शॉट रेडी है जाइए मैडम एक मोटी वाली मैडम चले गई मैम यार यू आर सो अनप्रोफेशनल तो सफाई अभियान करते हैं पहले मारे ही बड़ा में नाचे बोल प्रिटी वुमन आप आओ हमारी अम्मा आ चुकी है एकदम राजस्थानी लुक में चलो ये दो पहाड़न राजस्थानी बने आज मैम ऑटोग्राफ प्लीज ऑटोग्राफ दोनों ने ऑरेंज पहना यार अम्मा अपने बगीचे में फोटोशूट करवा रही है अभी जब आप गांव जाओगे तब कौन डालेगा पानी मेरा फूल देखो तुम मेरा फूल देखो ये गेंदा गेंदा है ना अरे और ये वाला मैं कोई अरे नकली है मेरा पर्पल कलर का कौन सा फूल है ये देखो ये उठा नहीं जा रहा है दो दो टमाटर जैसे लोगों से टमाटर जैसे कैसे लग रहे ना ये भगवा रंग रंग बह रहा है लाओ क्या करना था वो लग रहे हैं क्या कहते कितनी ताकत है दोनों के पास देखो तैयार व्यार हो आगे ज्यादा ताकत है ये हमारे सबसे छोटे चाचा के हाथ की स्पेशल चाय हाँ चाचा ने चाय बनाई है बहुत प्यार से बट हम बताएंगे चाचा ने कैसे बनाई टेस्ट करके हाँ वैसे तो मैं नहीं पीती बोल आज पहली बार पी रही हूँ यार अच्छी बनाई यार इसमें मस्त लग रही सच्ची में है मजा बहुत तारीफ हो रही चाचा की मेले बनाइए ऑन तो करो लाइट तो अब हम जा रहे हैं घर को अम्मा की दाल बाटी खा के मजा आ गया अब हम चलते हैं चलो बाय योगी गलत तो लगा मुझे हां बाय अंशु का महारानी जा रहे चल फिर चल बाय बाय क्या बुबू बाय बाय बुबू चलो जाना आराम से ठीक है हां चलो 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 बाय बाय इतना भी इसमें कुछ होता है येला मेला भाई अंशु मतलब बुबू ऐसा तो बुबू कह रही चाचा वैसा तो ये देखो अभी क्या मौसम का हाल बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही मस्त अंशु भगा रहा है वो चिड़िया जो गांधी जी के सर के वो बैठ भाग ही नहीं रही यार वो अच्छा अच्छा तू भगा भगा आजा कुछ नहीं अब वो रहने वहीं रहेगी अंशु ये रियल देशभक्त है
गांधी जी की इज्जत का सवाल है। वो उड़ी नहीं आ रहा चिड़िया। चलो चलो, हम सब लोग मंदिर दर्शन करने आए हैं। आने वाले थे अम्मा यार, हमसे तेज दौड़ता हुआ ये धावक। ये तो इसको देखो कितना तेज जा रहा है। वो है कहाँ? मुझे छोड़ के चले गए क्या वो लोग? So, अभी आज हम यहाँ राजस्थानी डिश खाने में, और आज हमारी अम्मा ने हमारे लिए बनाया है गट्टे की सब्जी। तो हम आज ट्राई करेंगे गट्टे की सब्जी पहली बार। ये भी राजस्थानी डिश है ना अम्मा? तो पहले हमने दाल बाटी खाई, अभी हम गट्टे की सब्जी खा रहे हैं। और गट्टे की सब्जी में टेस्ट की थोड़ी अच्छी हो रही है, सच में मुझे अच्छी लग रही है। तो ये रहा उसका लुक, ये देखो, इसको गट्टा बोलते है ना। ये देखो, और ये बनता है बेसन से। मुझे पता चला आज आप बना रहे हो ये गट्टे की सब्जी, तो मुझे क्या लगा गट्टा पेड़ में उगता है। नहीं सच्ची में मुझे गट्टे नाम से लगा, वो पेड़ में उगता होगा। अच्छा तो मैंने सोचा अच्छा कोई पौधे में से उगता होगा, तो फिर बाद में भूखने वाला है। बेसन से बनता है, उसको पहले रोटी की तरह गूंथते हैं, फिर मसाला आटा की तरह गूंथते हैं, नमक मिर्च सब डालते हैं इसमें। हां फिर उसको तेल डालते हैं, तेल फिर गर्म पानी करेंगे ना, गर्म पानी करके उसमें डाल दो, उबाल लेंगे और उसको उबाल के वो पक जाता है। फिर पक जाएगा ना, फिर छोलता है कढ़ाई में पूरा मसाला वसाला डाल के। इजी रेसिपी, आप भी बनाइए, टेस्टी हो रही है। अभी खाएंगे पेट भर के। और बुआ बना रही है रोटियां गोल गोल मस्त मस्त। तो अब हम खा रहे कट्टे की सब्जी, अनुपमा देखते देखते। अनुपमा सबकी फेवरेट है, हर इंडियन फैमिली सब लोग देखते हैं ना अनुपमा, हर जगह जहाँ भी जाते हैं सब अनुपमा देखते ही हैं। दोस्तों आज हमने खाया है पपीते का हलवा, तो इतना टेस्टी था मैंने खत्म कर लिया। बाद में याद आया कि ब्लॉग भी बनाना है। तो ये रहा, बहुत स्वाद हो रहा है, एकदम मजा आ गया खा के। और ये रही हमारी सब्जी, थोड़ी मिर्च ज्यादा है। इसका हम में सिर्फ एक ही जना ट्रेंड है हमारे घर में, वो तू है। नेहा, मैं नहीं नेहा। अब बड़ी को बड़ी का वजन कम कर। बढ़ गई कर हर मैदान फतेह, कहते जान लेवा जानवर की तरह उसके पीछे बैठी। सुन रहे, तीन दिन के लगातार स्टेटस लगा दिए हम पे जुल्म करने के लिए, एक साथ अपन नेट खींचेंगे अपने स्टेटस। कितना काम तो करता है। अम्मा की बात नहीं सुन रहे, स्टेटस लगा रहे हैं। मैं कल के स्टेटस आज लगाने रहे, मेरे पास टाइम ही कहां है, देखो कितना बिजी हो रहा हूं मैं। वही हमारे बिस्तर से देखो मम्मी कब से बोल रही है, और ये बट्टा नहीं सुन रहा, बेटा सुनता नहीं है, खींचो खींचो क्या? फोन ले लो अम्मा इनके हाथ से, फोन ले लो। फोन तो मेन है, आपका अम्मा ने क्या बोला, यहाँ फोन में लगे हुआ। मैंने उनको बोल दिया उससे टीका क्या हो जाता है, लंबा लगता है। अच्छा मैं हर टीका लंबा लगता है उससे बिल्ली को। अभी हम जा रहे हैं अम्मा जी के बोलो फिर हमारी वीडियो को ढेर सारा प्यार देना, जो भी जयपुर की वीडियो है, ठीक है? बाय अम्मा, बाय, डालती रहना तू। हाँ बाय बाय बुआ,
मैं देख ही रहूंगी, मैं देख ही रहूंगी, ठीक है। हाँ बोल, कोई और देखने आ रहा कि मेरी अम्मा देखेगी, कोई और देखे ना, देखे मेरी अम्मा जरूर देखेगी। आई नो दैट, सब चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, बहुत सारा ध्यान देना। हाँ नहीं रास्ते से ही पिंग वहाँ पहुँच गई, तो एक थैली ले जाना, फिर रात में रेडी हो रही हो, कोई मुझे पहचान पा रहा है। राजस्थान में यही लुक लेके चलना पड़ता है। हाँ ये राजस्थानी लुक है, बड़ी अच्छी लग रही है। बाय अम्मा, बाय बुआ। सानू कर रही है पार्सल को अनबॉक्स। तेरा ही है, तेरा ही है। मेरा पक्का है। हाँ हाँ ये खुद ही कर लेंगे अभी। वाओ क्यूट है बहुत ये। अच्छा लगा? देखो ये रियल है। ये रियल है? हाँ खोल फिर। चलो कौन एक्साइटेड है जिसका ये रियल है? तू एक्साइटेड है? ये लड़कियों का सामान है। लड़कों क्यों देखते हैं? तुझे लगा देगा? क्योंकि मैं भी लगा दूंगी तेरे को। ये देखो ऐसे दूर से चेक कर रहे हैं। अब तो गोलू के दांत हिल रहा है। जी हाँ सच में है क्या? हाँ दिखा एक बार। हाँ वाह सच वाला मंगा दिया। किससे मंगाए? रियल है आईफोन। आईफोन है सन्नू का आईफोन। ये है लिप ग्लॉस की फ्रेंडी है और ये कुछ स्क्रैचर्स आया। और ये लिप ग्लॉस है और ये है इसके आई शेडो पैलेट। ये है एक काजल। ये है नेल्स है और ये नेल एक्सटेंशन। देखो जब से इसका किट आया इसने इसको फोन की तरह यूज करना शुरू कर दिया। दिखा अपना फोन। ओहो आईफोन वाली लड़की आ रही। तो इसके बाद कैसे सो रही है? घोड़े बैठ के बहुत अच्छे से सो रही है।